दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक पोइट्री व्हील किट, जहां पर हम इसका यूज करके बना सकते हैं कुछ क्रिएटिव और इमेजिनेटिव आर्ट। तो करेंगे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या वाकई में हम कुछ डिजाइन बना सकते हैं कि नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे टॉयज एंड गेम्स की अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों बॉक्स जो है फ्रंट से कुछ इस तरह का आपको दिखता है। ऊपर की तरफ जो नाम है इसका पोइट्री व्हील किट, यहाँ पे हमारे प्लेसेट का पिक्चर है और यहाँ पे नीचे अगर हम एज देखें तो 8+ है। यहाँ पे यार कुछ स्किल्स वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या हम इससे डेवलप कर सकते हैं। तो वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट परसेप्शन और यहाँ पे लॉजिक विस्टम और लास्ट आर्टिस्टिक थिंकिंग। और भी कई चीज़ें जो इसे डेवलप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेसेट है ये। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो है 1449, बट मैं आपको सीरियसली बताऊं यार ये जो मुझे पड़ा है 6700 में। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो ऑनलाइन आप अच्छे से सर्च कर लेना, आपको एक बेहतर डील है वो मिल सकती है ढूंढने पे। तो जल्दी से ओपन करते हैं इस बॉक्स को यहां से। और यहां पे यार सबसे ऊपर की तरफ जो है ना एक मैनुअल रखी हुई है और काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसके देखे बिना तो कुछ होगा नहीं, तो इसे आप एक बार जरूर पढ़ लेना। इसके बाद में यहां पे यार कुछ क्ले है और ये है 800 ग्राम के आसपास। इसको भी हम रख देते हैं साइड में और इस वाले पैकेट को खोलते हैं। तो सिंपली ये तो हमको पता ही है, इसमें हमने जो कलर्स हैं वो इसमें मिक्स करते हैं और ये इसके साथ में कुछ कलर्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे हमको मिलते हैं दो ब्रश भी और उसके बाद यहाँ पे ये जो तीन चीज़ें हैं ये कुछ शेप देने के लिए हैं जो भी हम क्ले से डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। और ये आपको दिख रहा होगा एक थ्रेड है, दो यहाँ पे प्लास्टिक के पार्ट है, ये जो हमारा क्ले का जो भी पॉट वॉट कुछ भी बनाएंगे उसको कट वट करने के लिए शेप को जो फालतू है कुछ भी इसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यार ये है हमारी मेन मशीन और ये जो है पॉट के ऊपर वाली प्लेट है, इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे कुछ इस तरह से और ये फिट हो जाएगी। पीछे की तरफ हम देखें तो यार यहाँ पे इसकी बैटरी लगती है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ऑन ऑफ स्विच है जो यहाँ पे दिया गया है इसका, और यहाँ पे स्पीड जो है 1, 2 और 0। तो यहाँ पे दो हैं स्पीड के लेवल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मटेरियल की बात करें तो मटेरियल मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यार जल्दी से देखते हैं कि क्ले से यार वाकई में हम कुछ बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मुझे तो यार वैसे काफ़ी हार्ड लग रहा है ये, बट एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है आगे। दोस्तों सबसे पहले जो है अपनी क्ले का पैकेट जो है इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से और क्ले को जो है ना बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि क्ले जो है ना थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हार्ड आपको क्ले मिलेगी। उसके बाद आपको जो अपनी क्ले को है सीधे अपने पॉटरी व्हील के ऊपर रख देना है और थोड़ा सा पानी वाली डाल के हल्का सा इसको इस तरह से हम और गोल गोल शेप देने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी सी स्पीड हम यहाँ पे फास्ट भी कर सकते हैं नीचे से बटन जो है स्पीड का लेवल बढ़ा के, और आपको बैलेंस करना पड़ेगा हाथ से और देखेंगे कि किस तरह से ये बनता है। तो मैं एक पॉट बनाने की कोशिश करूँगा, उसके लिए ऐसा गोला टाइप का मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैंने गोला बना दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा और शेप देता हूँ और अब थोड़ा सा बीच में यार एक होल करने के लिए पहले आप एक फिंगर से यूज़ करना ताकि जो है ना शेप ख़राब ना हो। और जब थोड़ा सा फिंगर आपके अच्छे से अंदर चले जाए तो आप दो फिंगर यूज़ कर सकते हैं और व्हील को थोड़ा दबा के बैलेंस करके आप थोड़ा सा और चौड़ा कुछ इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। तो थोड़ा सा अच्छा इस वक्त लग रहा है पॉट जो है हमारा, और कुछ यहाँ पे अब ऊपर की तरफ को मैं थोड़ा सा शेप देने की कोशिश और करता हूँ ताकि जो है ना ऊपर से और अच्छा ये हो जाए। और पॉट को थोड़ा सा मैं दबा भी रहा हूँ ताकि वो स्लो स्लो हो रहा है। और ये देखिए ऊपर की तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, बट फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मशीन को ऑफ करके आप थोड़ा सा और फिनिश यहाँ पे कर सकते हो, जैसे साइड से अगर आपको कुछ लगता है पानी के हाथ से, क्योंकि क्ले जो है ना बहुत चिपचिपी यहाँ पे हो रखी है, तो बीच बीच में पानी लगाने से जो है ना ठीक लग रहा है यहाँ पे। तो एक बार ऑन करेंगे दोबारा से और काफ़ी सही लग रहा है, देखते हैं कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ से तो यार कुछ सही लग नहीं रहा है, ख़राब जैसा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से जो ऊपर की लेयर है क्ले की वो काफ़ी पतली हो चुकी है और वो शेप में आ नहीं रही है। तो ट्राई करते हैं, ख़राब हो रहा है भाई। तो ऑलमोस्ट यार ये लगभग ये मुड़ चुकी है हमारी हेड है, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया था इसके ऊपर, फिर भी मैंने काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कि ठीक हो जाए। और ये देखिए आप ऊपर से फिर से यहाँ पे कुछ पार्ट निकल के आ रहा है और नहीं, अब लगता नहीं कि ये ठीक हो पाएगा। एक लास्ट ट्राई और करते हैं, घुमा के देखते हैं।
बट ये खराब ही हो चुका है पूरा। तो यार काफी मुश्किल था यार यहाँ पे इस किले के साथ बनाना, क्योंकि यार पानी मैंने ज्यादा डाल दिया था और शुरुआत में जो है ना फिर भी काफी कुछ मुश्किल लग रहा था कि ठीक ठीक जा रहा है, बट ऊपर का जो पार्ट है जो हेड वाला पॉट वो मैं बना नहीं पाया। तो जल्दी से यार एक नेक्स्ट जो मैं एक आपको दिया जैसा बना के दिखाता हूँ काफी सिंपल, तो वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, तो देखते हैं उसको किस टाइप से वो बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया है वो तैयार हो चुका है, तो इसे हम थ्रेड से आराम से यहाँ से कट करेंगे और उसके बाद में हम इसे जो है ना धूप में रख देंगे, बट तुरंत मत रखना, एक आध घंटे के बाद रखना ताकि ये अच्छे से सूख जाए। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे दिए हैं वो तैयार हो चुके हैं और देखिए यार सूखने के बाद काफी अच्छे लग रहे हैं, और ये वाला भी देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से ये लग रहा है, तो काफी मजबूत इस पर दिखाई दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टूटेंगे नहीं, अगर गिराएंगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे। एक बार आप देखिए बिल्कुल क्लोजअप पीछे की तरफ कुछ क्रैक्स जो यहाँ पे इस दिए में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर हम दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक छोटा सा क्रैक मुझको दिखाई दे रहा है और बाहर से यार काफी अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से यार थोड़ा कलर वलर भी करके देखते हैं इनमें तो किस टाइप के लगे हैं कलर में। कलर यहाँ पे मेरे पास है जो एक इसके साथ में मिले हुए ये वाटर कलर, तो एक बार इसको भी ट्राई करेंगे और कुछ जो है ना मेरे पास अपने कलर्स भी यहाँ पे हैं, तो इनको भी एक बार ट्राई करेंगे और देखते हैं कितने ही अट्रैक्टिव लगते हैं हमको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कलर कर दिए हैं दोनों पॉट्स में और एक बार देख लीजिए यार किस तरह से यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस वाले में जो है ना मैंने यूज किए थे एक्रिलिक कलर और इसमें मैंने वाटर कलर यूज किए थे जो इस पॉट के साथ ही हमको मिले थे। तो यहाँ पर अगर इसमें पॉट में व्हील की किट की बात करूं तो यार यहाँ पे काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एक अच्छा सा पॉट बनाने के लिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे लग सकती है। दूसरी चीज जो इसके साथ में क्ले मिली थी वो दिखने में तो यार बहुत भारी लग रही थी, बहुत ज्यादा लग रही थी, बट जब मैंने उसे यूज किया तो मुझे लगा कि यार वो क्ले थोड़ी सी कम है क्योंकि काफी ज्यादा क्ले है ना आप देख रहे होंगे यार इसमें चिपक गई इधर उधर, और कुछ पानी में जब मैंने हाथ बार बार वॉश किए क्योंकि ये चिपक रही थी हाथों में तो वहां पे भी मेरी काफी क्ले जो है ना वो पानी में मिक्स होकर वेस्ट हो गई। तो थोड़ी सी ज्यादा क्ले होती तो शायद मैं थोड़ा सा और बड़ा पॉट बना लेता यार कुछ और कर लेता, बट फिर भी अगर आपको फन करना है क्ले के साथ में तो काफी अच्छा पॉट रिवील है। थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा क्ले आप मार्केट से ले लेते हो तो और भी अच्छी बात यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार अभी भी ना 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।